हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो नंबर 16 है, 25 मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन सीरीज़ की। सब्जेक्ट रहेगा हिंदी, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने इससे पहले की 15 वीडियोज़ देखी होंगी, आपने लाइक किया होगा, और आगे भी मैं इसी तरीके से वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यशोधा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? यशोधा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? विसर्ग संधि। यशोधा में विसर्ग संधि है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए सम। सम उपसर्ग का उपयोग हुआ है संस्कार में। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है जिसमें दोनों के दोनों पद प्रधान होते हैं, और अगर उनको अलग किया जाए तो बीच में और या लगता है। तो भाई बहन में द्वंद्व समास है। वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है वनवास में। पुरोहित में उपयुक्त उपसर्ग बताइए। पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। पुर, ऑप्शन बी पुर जो है उपसर्ग है पुरोहित में। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन डी तदोपरांत। ऑप्शन डी तदोपरांत, ये शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए रत्नाकर। ऑप्शन ए रत्नाकर जो है स्वर स्वर संधि का उदाहरण है। अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवनत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये अव जो है उपसर्ग है अवनत शब्द में। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में ऑप्शन ए द्विगु समास है। पंचवटी में द्विगु समास है। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है? तू डाल डाल में पात पात का अर्थ क्या है? दोनों चालाक। ऑप्शन डी दोनों चालाक। तू डाल डाल मैं पात पात मतलब दोनों चालाक। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ऑप्शन ए ई जमा ए, इन दो शब्दों की, इन दो वर्णों की संधि हुई है व्यर्थ शब्द में, ई जमा ए। सावधानी शब्द में प्रयुक्त हुए प्रत्यय को बताइए। सावधानी शब्द में प्रयुक्त हुए प्रत्यय को बताइए। तो ऑप्शन ए बड़ी ई। ऑप्शन ए बड़ी ई जो है सावधानी शब्द में प्रयुक्त हुआ प्रत्यय है। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुव्रीही समास है पीताम्बर में। बहुव्रीही समास है पीताम्बर में। महोदय का सही संधि विच्छेद बताइए। महोदय का सही संधि विच्छेद बताइए। ऑप्शन डी महाजमा उदय, तो बन जाता है महोदय। महाजमा उदय महोदय। नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम में कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है नरोत्तम में। ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है नरोत्तम में।
आजन्म शब्द निम्न में से किस समास का उदाहरण है? आजन्म शब्द निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो ये ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास है। आजन्म शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन सी तत्जमा में तन्मय, तत्जमा में तन्मय। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। तो ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। सामंजस्य का सही विलोम क्या होगा? सामंजस्य का सही विलोम मतलब कि उल्टा क्या होगा सामंजस्य का? तो ये है ऑप्शन ए विवाद, ऑप्शन ए विवाद होगा सामंजस्य का विलोम या उल्टा। जिसको प्रश्न करना कठिन हो इस वाक्य के लिए उचित शब्द को चुनिए, जिसको प्रश्न करना कठिन हो इस वाक्य के लिए उचित शब्द को चुनिए। तो ये होता है दुराराध्य, जिसको प्रश्न करना कठिन हो वो होता है दुराराध्य। मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, यह किस प्रकार का वाक्य है? मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये ऑप्शन सी मिश्र वाक्य है, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य है। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? ओजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये निस्तेज, ऑप्शन डी निस्तेज, ओजस्वी और इसका उल्टा होगा निस्तेज। पराक्रम शब्द का विलोम बताइए, पराक्रम शब्द का विलोम बताइए। भीरुता, ऑप्शन ए भीरुता जो है पराक्रम का विलोम है यानी कि उल्टा है। सत्संग करो सदाचारी बनो, यह किस प्रकार का वाक्य है? सत्संग करो सदाचारी बनो, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो है विधिवाचक वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है। निम्नलिखित प्रत्येक चार विकल्पों में से बेमेल असंगत शब्द को छाटिए, मतलब कि जो बाकी तीन से अलग है उसको छाटिए। तो ये है नेत्र जो है बाकी तीन से अलग है, ऑप्शन सी नेत्र जो है बाकी तीन से अलग है, बेमेल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज के क्वेश्चंस थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आगे वाली वीडियो के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।